सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास बुलेटिन सत श्री अकाल जी दे नाल मैं हरशरण कौर तुहाडे सब दे रूबरू हाँ। बुलेटिन दे विच असीं नज़र पावांगे देश दुनिया दीआं सारीआं नवीआं ते ताज़ा हुण तक दीआं खबरां ते। शुरुआत करांगे शॉर्ट एंड शार्प 25 खबरां दे नाल। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पुरब मौके होण वाले प्रोग्रामां नूं मुख्यमंत्री बादल ने दित्ती मंजूरी। पंजाब विच होवेगा सूबा पद्धरी समागम। अमृतसर पटियाला दिल्ली मुंबई ते कोलकाता विच होणगे सैमीनार। पौंटा साहिब च होवेगा कवि दरबार। पंजाब विच दलितां नूं साधन विच जुटी कांग्रेस। अज तो लुधियाणा विच कांग्रेस दा दो दिन दा दलित सम्मेलन। पार्टी दे सीनियर नेता ते दलित बुद्धिजीवी दलितां दीआं समस्यावां ते करनगे मंथन। कांग्रेस वालों प्रशांत किशोर दीआं सेवावां दे मुद्दे ते विरोधियों ने चुके सवाल। अकाली आगू बोले अकाली दल दा हर आगू ते वर्कर ही है प्रशांत किशोर। ता आप आगू छोटेपुर बोले कि कांग्रेस दा हशर दिल्ली वाला होवेगा। कांग्रेस ने कुछ पत्रकारां नूं रिझाउण दी कीती कोशिश। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा बयान, कहा सरकार बनन ते पत्रकारां लई पेंशन योजना दा ऐलान। परिवारां लई बीमा योजना कीती जावेगी शुरू। अमृतसर विच शिवसेना ने पाकिस्तान खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान दा झंडा ते हाफिज सईद दे पुतले साड़े। हाफिज सईद ने पठानकोट वर्गे होर हमलिया दी दित्ती सी धमकी। शिव सैनिका ने भारत सरकार तो कीती मंग। हाफिज सईद वर्गे लोकां ते लगाम लाउण लई भारत सरकार पाकिस्तान नाल करे गलबात। पठानकोट तो फड़े शक्की इरशाद नूं कीता गया कोर्ट विच पेश। अदालत ने इरशाद नूं भेजा 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत विच। इरशाद नूं जासूसी दे इल्जामां विच पठानकोट पुलिस ने कीता सी गिरफ्तार। अमृतसर विच बीजेपी युवा मोर्चा ने साड़िया राहुल गांधी दा पुतला। जीएनयू मामले विच राहुल गांधी वल्लों दित्ते गए बयानां ते जताया इतराज़। कहा राहुल अपने बयानां लई मंगे माफी। अमृतसर विच आम आदमी पार्टी वालों नशे ते सैमीनार। नौजवानों ने लिया हिस्सा। आप आगुआ ने कहा कि पंजाब विच नशा सिखर ते है। 2017 विच आप दी सरकार बनन ते नशे नूं पूरी तरह करांगे खत्म। हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अज रोहतक दे नवे सरपंचां नूं चुकाउणगे सहुं। पॉलीटेक्निक ग्राउंड विच होवेगा सहुं चुक समागम। नवे सरपंचां नूं सरकारी योजनावां दी भी दित्ती जावेगी जानकारी। मुंबई विच चल रहे मेक इन इंडिया वीक विच हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी होए शामिल। सीएम खट्टर ने दस्या कि हरियाणा विच निवेश लई सस्ते भाव ते मुहैया करवाई जावेगी बिजली। खट्टर ने दस्या कि निवेशकां नाल गलबात दौरान वधिया हुंगारा मिलिया। निवेशकां तो मिले करीब 20,000 करोड़ रुपए दे निवेश दे सद्दे। जम्मू कश्मीर विच दो लोकां दी मौत दे विरोध विच वक्खवादी जथेबंदियां वल्लों अज बंद दा सद्दा। दहशतगर्द की मौत तो बाद भड़की हिंसा से काबू पाने के लिए पुलिस नूं करना पिया सी बल प्रयोग। अज गुरदासपुर लियांदी जावेगी शहीद मनजीत सिंह की मृतक दे। छुट्टियां बिता के वापस असम लौट रहे मनजीत सिंह नूं बिहार के नक्सलियों ने गोली मार के कीता सी कतल। जेएनयू विद्यार्थी जथेबंदी के प्रधान कन्हैया कुमार की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। उते दोपहर 1 बजे वीएचपी नेता साध्वी प्राची अपने समर्थकों के नाल जाएगी जेएनयू। मुंबई में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भयानक आग नाल पूरा पंडाल सड़ के सुआह। मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान, सरकार करवाएगी हादसे की जांच। लुधियाणा के समराला चौंक नेड़े कपड़े की फैक्ट्री में भयानक अग लगी। तकरीबन 100 गड्डियां ने 15 घंटे बाद अग ते पाया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। फाजिलका विच 10वीं दे 3 विद्यार्थियों ने बनाई मेक इन इंडिया कार। 1 लीटर विच 50 किलोमीटर तक का सफर तय करन दा दावा। कुल लागत 25 तो 30 हज़ार।
आज तो IRCTC ने टिकट बुकिंग दी लिमिट विच कीती कमी। हुण एक महीने विच एक यूजर आईडी नाल 6 टिकट ही बुक कीते जा सकणगे ऑनलाइन। हुण तक ये लिमिट 10 टिकटां दी सी, पर काउंटर तो टिकट लैण ते ये नियम लागू नहीं होवेगा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रोहतक विच डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की मूर्ति की कीती घुंड चुकाई। इस मौके मिशन एकता कमेटी की सूबा प्रधान कांता आलड़िया भी रहे मौजूद। अंबेडकर पार्क विच आयोजित प्रोग्राम विच जुटी हजारां लोगों की भीड़। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा पाली पिंड विच ग्राम उत्सव विच भी शिरकत करन पहुंचे। इस मौके डॉक्टर चंद्रा ने केशव भवन के लिए 11 लाख रुपए देने का किया ऐलान। पिंड वासियों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का किया धन्यवाद। नेत्रहीणा विच हीन भावना खत्म करने ब्लाइंड रैली का किया गया प्रबंध। निश्चित वेले ते पहुंचने वाली 3 कार सवार का किया गया सम्मानित। पंजाब विच सूबा पदरी भगत सिंह खेडां दा होया आगाज। 14 तो 19 फरवरी तक चलणगियां शहीद आजम भगत सिंह खेडां। श्री आनंदपुर साहिब के दशमेश मार्शल आर्ट से स्पोर्ट्स अकैडमी विच शुरू हुए शहीद आजम भगत सिंह सूबा पदरी खेड मुकाबले। मुक्केबाजी जूडो ते कुश्ती मुकाबलों लई पहुंचे 1200 खिडारी। तीवें कौमांतरी सूरज कुंड मेले का अज आखिरी दिन। समाप्ति समारोह में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी होंगे मुख मेहमान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी करेंगे शिरकत। मेले का थीम स्टेट इस बार है तेलंगाना। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में श्रीलंका हरा के 3 मैचों की सीरीज 2-1 नाल जीत ली है। आखिरी मैच में श्रीलंका 82 दौड़ा से ही सिमट गई। इस टीचे को भारत ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। धर्मशाला में T20 मैच के सुरक्षा इंतजामों का पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया जायजा। HPCA अधिकारियों नाल की गलबात। 9 तो 22 मार्च तक होंगे मैच। हुण खबरां विस्थार दे नाल। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पुरब मौके देश भर विच साल भर होण वाले प्रोग्रामां नूं मंजूरी दे दित्ती है। मुख्यमंत्री बादल दी रिहायश ते होई बैठक विच इह फैसला लिया गया। प्रोग्राम दी रूपरेखा तैयार करदे होए मुख्यमंत्री ने ऐलान कीता कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब मौके सूबा पदरी प्रोग्राम पंजाब विच करवाया जाएगा ते इस तरह गुरु साहिब दी जिंदगी फिलोसफी ते आधारित सैमीनार दिल्ली अमृतसर पटियाला मुंबई ते कोलकाता विच कीते जाणगे। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि पौंटा साहिब विच एक कवि दरबार भी करवाया जाएगा। इस मीटिंग विच कैबिनेट मंत्री सोन सिंह ठंडल, SGPC मुखी अवतार सिंह, DSGMC मुखी मनजीत सिंह जीके ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे उपकुलपति डॉक्टर जसपाल सिंह शामिल हुए। दस दिए कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश दिहाड़ा पटना साहिब विखे भी खास तौर पर मनाया जाएगा। कांग्रेस इस साल संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस मना रही है। इसे दे तहत आज तो 2 दिन दे लई लुधियाना विच कांग्रेस का दलित कॉन्क्लेव होन जा रहा है। कॉन्क्लेव विच पार्टी के सीनियर आगू शकील अहमद ते पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी की चेयरपर्सन अंबिका सोनी लुधियाना पहुंच चुके ने। इस कॉन्क्लेव विच दलितों नाल जुड़े कई अहम मुद्दों ते चर्चा होगी। पंजाब दीआं विधानसभा चोणां विच बाजी मारन दे लई कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिता है। पिछले 2 विधानसभा चोणां विच पार्टी नूं हार दा मूंह वेखणा पिया सी, पर साल 2017 दे विधानसभा चोणां दी लड़ाई पार्टी अपने नाम करना चाहती है। एहो वजह है कि रणनीति हुणे तो तैयार की जा रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी तो दूर हो चुके दलित वोट बैंक अपने वल खिंचण की कोशिश हो रही है। लुधियाना विच अज तो 2 दिनों तक दलित लीडर्स कॉन्फ्रेंस होण जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस विच दलितां दीआं समस्यावां ते मंथन कीता जाएगा ते पार्टी दे आगूआं नूं भीमराव अंबेडकर दी विचारधारा दे नाल जोड़न दी कोशिश होवेगी। इसमें 2 दिन का एक SC लीडर्स कॉन्क्लेव है जो हमारे कांग्रेस के SC लीडर्स हैं या जो SC के इंटेलेक्चुअल्स हैं
वो बातें करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे अपने जो लीडरशिप है उससे। हाँ, संविधान को फॉर्मुलेट करने में उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, भारत के पहले इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे, तो स्वाभाविक रूप से उन बातों को हम दोहराएंगे और जो कनेक्ट है हमारा नेहरू गांधी की सोच और अम्बेडकर की सोच उससे अपने वर्करों को अवगत कराएंगे। दरअसल पंजाब विच दलित वोट बैंक विधानसभा ते लोकसभा चोणां विच एक वड्डी भूमिका रखता है। पंजाब विच कुल 117 विधानसभा सीटां ने, जिन्हां विचों 34 दलित ते ओबीसी लई राखवीआं ने। 2012 दे विधानसभा चोणां विच कांग्रेस नूं इन्हां विचों सिर्फ 9 सीटां मिलियां सन, जबकि उस नूं 25 सीटां ते हार दा मूंह वेखणा पिया सी। अजिहे विच 2017 दे विधानसभा चोणां विच कांग्रेस की रणनीति है कि इन्हां 34 सीटां विचों वध तो वध अपने खाते विच लियांदियां जाण। इसी रणनीति दे तहत दलितां नूं मुख रखदे होए कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि जब हम अलग अलग समुदाय के नेताओं को उनके वर्षगांठ को मनाते हैं या पुण्यतिथि को मनाते हैं, तो ये मतलब नहीं कि सिर्फ वोट के दृष्टि, इन लोगों का योगदान आज भारत की जो भारत का संविधान है तकरीबन सारा श्रेय अंबेडकर जी को जाता है। तो जब हम उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म शताब्दी प्रोग्राम पूरे साल मनाया जाएगा, तो इसे दे तहत प्रोग्राम हो रहे ने। 15 ते 16 फरवरी नूं होने वाली कांग्रेस की इस दलित लीडर्स कॉन्फ्रेंस विच पंजाब के सारे 117 विधानसभा हल्कियां विचों 15-15 डेलीगेट्स नूं सद्दा दिता गया है। इस कॉन्फ्रेंस विच दलित समाज दीआं समस्यावां ते विस्तार से चर्चा करके अगे दी रणनीति उलीकी जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह दलित प्रेम पार्टी नूं सत्ता की चाबी दवाएगा? नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। चोन रणनीति दे माहिर मने जांदे प्रशांत किशोर ते वी हुण पंजाब दी सियासत उबाले खान लगी है। कांग्रेस जिथे प्रशांत दीआं सेवावां लैके उत्साह विच है, उथे विरोधी धिरां ने कांग्रेस ते निशाने लाउणे शुरू कर दित्ते ने। कांग्रेस दे प्रशांत विरोधी होए अशांत। मिशन 2017 लई पंजाब विच कांग्रेस नूं सहारा देण आ रहे प्रशांत किशोर नूं कांग्रेस जिथे अपने लई तुरप दा पत्ता मन रही है, उथे ही अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने प्रशांत नूं लेके कांग्रेस दे निशाने बिनने शुरू कर दित्ते ने। अकाली दल ने कहा कि प्रशांत नूं लिया के कांग्रेस ने चोणां तों पहलां ही हार मान ली है, ते आम आदमी पार्टी मुताबिक प्रशांत दीआं महंगीआं सेवावां कांग्रेस दा बेड़ा पार नहीं ला सकदीआं। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਦ ਬੰਨਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 500-550 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं से और कार्यक्रमों से इलेक्शन जीता करती हैं और हमेशा जीता करेंगी, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके पंजाब में आने का किसी भी प्रकार का कोई असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जैसे उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी एनडीए की उन्होंने मदद की थी। जिक्र खास है कि प्रशांत किशोर आज देश दा चोन रणनीति दा वड्डा चेहरा बन चुका है। मनिया जांदा है कि 2014 दीआं लोकसभा चोणां लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी वड्डी जित ते बिहार विच नीतीश कुमार दी बेड़ी पार लाउण पिछे प्रशांत किशोर दीआं नीतियां दा वड्डा रोल सी। पर की पंजाब विच वी प्रशांत दा जलवा देखेगा? इस ते सब दीआं नजरां बणियां रहणगीआं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
सो मिशन 2017 फतेह करन विच जुटी कांग्रेस ने हर वर्ग नूं रिझाउण दीआं कोशिशां शुरू कर दित्तीआं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सरकार बनण ते पत्रकारां ते उन्हां दे परिवारां लई नवीआं योजनावां दा ऐलान कीता। 2017 विच कांग्रेस दी सरकार बनण तों बाद असीं इन्हां ते इन्हां दे परिवारां नूं सेहत ते जीवन बीमा मुहैया करवावांगे, इह कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारां लई। नाल ही उन्हां कहा कि इस दे तहत वख-वख मीडिया संगठनां जिवें अखबारां, मैगजीनां, न्यूज़ चैनलां ते न्यूज़ पोर्टलां च काम करदे पत्रकारां उन्होंने परिवारिक मैंबरां नूं सारियां बीमारियां ते मौत दी हालत विच रक्षा प्रदान कीती जावेगी। इस लड़ी 60 साल पार करन तो बाद ओ सारे पत्रकार जिहड़े पत्रकारता वजों 20 साल दी सेवा निभा चुके होण इस परिवारिक पेंशन दे हकदार होणगे तां जो उन्हां नूं अगला जीवन जीउण विच कोई परेशानी ना आवे। छुट्टियां खत्म होने तो बाद असम जा रहे सिख रेजिमेंट के सैनिक की नक्सलियों ने बिहार के कटिहार विच गोली मार के हत्या कर दी। उत्थे इस सैनिक की मौत तो बाद उन्होंने घर गुरदासपुर विच उन्होंने परिवार वाले सदमे विच ने ते अज गुरदासपुर विच सैनिक का अंतिम संस्कार होगा। कोई मैनू फिक्र नहीं है, मेरे लड़का शहीद होया है। अगर वह पंजा दहां नस्लवादियों के भारू हुई ठीक आ, उसने न्यू बाग गाँव जाना है, उत्थे उहदी सैवन सिखलाई बटालियन है, तो मैनू कोई फिक्र नहीं है, मैं भी फौजी रहा वहां, मेरा लड़का भी फौजी आ। मेरा पुत महीने छुट्टी आया ही, सोहनी छुट्टी कट के गया, तो अं आख्या चलो जो उपड़ जूगा फोन करूंगा, तो फोन दिल्ली तिकर तो उदो गांह तिकर भी करता गया वा, करता गया मम्मी मैं 4 बजे उपड़ूंगा तो तेन फोन करूँ जाके, फिर इन वोटी ना भी गल हो गई आ। मेरे पुत ने जूंट जा फोन किया, आधे को नहीं उपड़िया। सोमवार डैडी बिठा के 8 तरीक, चल जाओ, बुधवार पहुंचना थी 10 तरीक न, सारे रस्ते साढ़े ना फोन ते गल करते गए ने, उज कोई गल बात नहीं हुई। 2:30 बजे तक मेरे ना गल की है, तो बाद में फोन ही बंद हो जुंट विच भी फोन किया, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। सो मनजीत सिंह दे पिता जिथे अपने पुत्र नूं सिख रेजीमेंट दे शहीद सैनिक पुत्र नूं शहीद मान रहे ने, असी भी अपनी पूरी टीम वल्लों शहीद मनजीत सिंह नूं श्रद्धांजलि दे फुल भेंट करदे आं। अगे रोहतक की खबर है, रोहतक में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की कुंड चुकाई की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वह 24 साल तो बुद्ध के श्रद्धालु ने, ते बुद्ध की सिक्ख्या ने उन्होंने सही दिशा दी है। नाल ही एसएल ग्रुप के चेयरमैन ने देश की असहनशीलता से सवाल चुकन वालों भी जवाब दिता। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जिंदाबाद।
ਵਪਾਰੀ ਜਨ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੁੰਚ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਸਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। समाज में पढ़ा बुद्ध की अभी अनुयायी हूँ 24 साल से, कोई आज नहीं बन गया, ना ही मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इसलिए भी मैं नहीं आया क्योंकि बहुत से लोग आपके पास आते हैं जोशी जी, बहुत से लोग आते हैं वो बाबा साहब की जय जयकार भी करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए आपके, मेरे को कोई वोट नहीं चाहिए, जो मेरे से मदद होगी करूंगा क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूं, मैं अपने आप को भी आप में समझता हूं। डॉक्टर चंद्रा ने देश में असहनशीलता के सवाल चुकन वाले नु जवाब दिता ते पूछा कि ये लोग 8-8 सालों तो किथे गए सन अते आम लोगों तो अजिहे लोगों दी गल्लां विच ना आउण दी अपील भी की। पहली बार मेरे ख्याल से जो लोग मैंने सुना है, बहुत से लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बड़ी बातें करते हैं, कई इनटॉलरेंस की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम कहाँ गए थे 68 साल तक, कहाँ थे आप, आपने तो कुछ नहीं किया, अब अगर ये कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर नुकता नुकसी निकालते हैं, कुछ ना कुछ और करते हैं, तो उन बातों में मत आइए। इस प्रोग्राम का आयोजन मिशन एकता समिति की प्रधान कांता आलड़िया के वलों किया गया। आलड़िया ने खुले मन नाल डॉक्टर चंद्रा दी कोशिशां दी सराहना की। ये पीतल की धातु की है, ब्रास की ये मूर्ति बनारस से बनकर आई है, जो सुभाष चंद्रा जी ने बनवा कर यहाँ पर लगवाई है, मैंने सिर्फ प्रयास किया है। इस प्रबंध नु दलित वैश्य समाज की जुड़ता के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नूं सरकार ने नहीं बल्कि दलित समाज के यत्ना अते डॉक्टर सुभाष चंद्रा के योगदान नाल बनाया गया। राज टाकिया दे नाल कुलवीर दीवान, जी मीडिया, रोहतक। सत श्री अकाल जी दे विच खबरां ते जानकारी दा सिलसिला फिलहाल इत्थे मुकदा, मैनूं दे इजाजत, धन्यवाद।